हरियाणा में दिन पर दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार जनता की सुरक्षा करने और बदमाशों पर लगाम लगाने का दावा तो करती है, लेकिन ये सभी दावे फेल हो जाते हैं जब कैथल के गांव मोहना में डबल मर्डर हो जाता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मोहना में देर रात एक परिवार पर हमला हो गया, जिसमें तेज धार हथियार से मां बेटी की हत्या कर दी गई। वहीं इस हमले में 11 साल का बेटा घायल हो गया। बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बेटी का खून से सना शव बेड पर और महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला। घटना की सूचना के बाद पुंडरी थाना पुलिस और एसपी कैथल ने मौके का मुआयना किया। सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा किए। तो सवेरी 5:40 के 5:55 के इसी की हो रहता, तो इसका लड़का आया, छोटा है जो सूक्ष्म, मेरे घर आया बाज का। वो बोलिया अंकल पानी दे दे मैंने, तो मैं बाहर निकली, एकदम घर वाली बाहर निकली, देखा भी खून मल अथपथ था, तो खून मल अथपथ गेली, मेरे पास फोन करे भाई आ जा, यो सूक्ष्म आया। वो बोले भाई देखा उसका गो था जी, सिर पट रहा था उसका, सारा खून में लथपथ था। वो बोले अंकल पानी दे दे मेरा, पानी और कुछ की रही, तो उसका पानी पिलाया, तो मैंने वो पानी पिलाया। पीछे मैंने अपने चाचे का लड़का ये सन्नी है, इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के और वो गुरु नानक हॉस्पिटल में भेज दिया। पुंडरी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि पुलिस की प्राथमिक जांच में ये हत्या का मामला है, जल्द ही जांच पूरी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना मिली थी सुबह पुलिस को, तो यहाँ पे एक औरत है मृतका गीता नाम की और उसकी बेटी, उसका मर्डर हुआ है। उसमें हमारी थाने की टीम तुरंत पहुँच गई थी और बाकी आगे की जांच हम लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है अभी? देखिए कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, तो बाकी अभी हम जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको बताएंगे। सब तीसरा जो इनका बेटा था उसकी हालत ठीक है? अब आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों की माने तो 8 महीने पहले महिला के पति विक्रम की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। परिवार में 3 ही सदस्य बचे थे। न्यूज़ डेस्क।